Thank you very much, Speaker, sir. Sir, I'd like to ask the minister through you that recently the ministry has proposed to bring important sites of worship, particularly 7,000 temples in Tamil Nadu, under the centrally protected areas like the monuments or architecture. And our party president, Mr. M.K. Stalin, has strongly protested against it, saying that it would definitely affect the sentiments of the Tamil Nadu people, because each state has its own cultural nuances attached with the temples, the locales of the temples. See, sir, archaeology, everything, context is important. But a temple is a living organism, and it is not only a place of worship. So I would like the minister to understand the sentiments of the Tamil Nadu people and to just think over it and come out with the taking back of this announcement, sir. Thank you very much. अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूँ कि चीज़ें कैसे मन से गलत हो जाती है, जिसका सबसे अच्छा सबूत है, मुझे लगता है कि इसी सदन में मैंने ये बात कही थी कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 7,000 मंदिरों को सूचीबद्ध किया। कहीं ASI का, भारत सरकार का, उसको कब्जे में लेने का सवाल नहीं पैदा होता। जब तक राज्य सरकार किसी भी स्मारक को देने के लिए सहमत ना हो, कोई भारत सरकार या ASI इस पर कब्जा नहीं करती है। मुझे समझ नहीं आता कि इतने श्रेष्ठ नेताओं का, जिनका वो नाम ले रही है, मैं लेना नहीं चाहता, सदन के वो सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बाद विरोध करने की बात कहाँ से आई, मैं आश्चर्यचकित हूँ। और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब भी कभी ASI की सूची में किसी भी स्मारक का नाम जोड़ा जाता है, तो वो राज्य सरकार की सहमति के बगैर नहीं होता। अगर तमिलनाडु की तारीफ करने में उनको आपत्ति है, तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि 7,000 मंदिरों की सूची तमिलनाडु ने बनाई है, ये सच्चाई है। और उसके बाद पांडिचेरी में वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, उनने बनाई है। और इसलिए मुझे लगता है कि तमिलनाडु के लोगों को ऐसे भ्रमों में नहीं आना चाहिए, बल्कि स्पष्ट है कि ASI की सूची अपनी जगह अलग है। लेकिन ये सच है, इस देश में लगभग अगर आज भी हजारों वर्ष पुराने ऐसे मंदिर हैं जिनको ASI अगर सूची में शामिल करे, तो वो जो संख्या 3,671 है, वो 10,000 पार हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु पर इस पर आपत्ति होनी चाहिए, बल्कि इसका लिए तो बधाई देना चाहिए। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। सर, यू टॉक्ड अबाउट दैट शनिवार वाडा ऑफ पूना, सर, इज इन अ फेयर स्टेट ऑफ कंजर्वेशन। सर, फेयर स्टेट ऑफ कंजर्वेशन इज नॉट गुड इनफ, एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर इज रिप्लाई सेड दैट देयर इज अ लाइट एंड साउंड शो। लाइट एंड साउंड शो डज नॉट मीन कंजर्वेशन। So conservation, what we need help, which is even Mr. Rao. Thank you very much, Speaker, sir. So I'd like to ask the minister through you that recently the ministry has proposed to bring important sites of worship, particularly 7,000 temples in Tamil Nadu, under the centrally protected areas like the monuments or architecture. And our party president, Mr. M.K. Stalin, has strongly protested against it, saying that it would definitely affect the sentiments of the Tamil Nadu people, because each state has its own cultural nuances attached with the temples, the locales of the temples. See, sir, archaeology, everything, context is important, but a temple is a living organism, and it is not only a place of worship. So I would like the minister to understand the sentiments of the Tamil Nadu people and to just think over it and come out with the taking back of this announcement, sir. Thank you very much. अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूँ कि चीज़ें कैसे मन से गलत हो जाती हैं, जिसका सबसे अच्छा सबूत है। मुझे लगता है कि इसी सदन में मैंने ये बात कही थी कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 7,000 मंदिरों को सूचीबद्ध किया। कहीं ASI का, भारत सरकार का, उसको कब्जे में लेने का सवाल नहीं पैदा होता। जब तक राज्य सरकार किसी भी स्मारक को देने के लिए सहमत ना हो, कोई भारत सरकार या ASI इस पर कब्जा नहीं करती है। मुझे समझ नहीं आता कि इतने श्रेष्ठ नेताओं का, जिनका वो नाम ले रही है, मैं लेना नहीं चाहता, सदन के वो सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बाद विरोध करने की बात कहाँ से आई, मैं आश्चर्यचकित हूँ। और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब भी कभी ASI की सूची में किसी भी स्मारक का नाम जोड़ा जाता है, तो वो राज्य सरकार की सहमति के बगैर नहीं होता। अगर तमिलनाडु की तारीफ करने में उनको आपत्ति है, तो फिर मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि 7,000 मंदिरों की सूची तमिलनाडु ने बनाई है, ये सच्चाई है। और उसके बाद पांडिचेरी में वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, उनने बनाई है।
और इसलिए मुझे लगता है कि तमिलनाडु के लोगों को ऐसे भ्रमों में नहीं आना चाहिए, बल्कि स्पष्ट है कि एएसआई की सूची अपनी जगह अलग है, लेकिन ये सच है इस देश में लगभग अगर आज भी हजारों वर्ष पुराने ऐसे मंदिर हैं जिनको एएसआई अगर सूची में शामिल करे तो वो जो संख्या 3671 है वो 10,000 पार हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु पर इस पर आपत्ति होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए तो बधाई देना चाहिए। श्रीमती सुप्रिया सुले जी, सर यू टॉक्ड अबाउट दैट शनिवार वाडा ऑफ पूना सर इज इन अ फेयर स्टेट ऑफ कंजर्वेशन। सर फेयर स्टेट ऑफ कंजर्वेशन इज नॉट गुड इनफ एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर इज रिप्लाई सेड दैट देयर इज अ लाइट एंड साउंड शो। लाइट एंड साउंड शो डज नॉट मीन कंजर्वेशन। So conservation, what we need help, which is even Mr. Raut.